अस्सलाम वालेकुम माय ड्यू फैमिली। सो आज हम बना रहे हैं बाटियाँ गांव के स्टाइल में बिल्कुल, तो हम उसे आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये हमारा 3 किलो का आटा है जिसकी हम लोग अभी बाटियाँ बना रहे हैं। बाटियाँ बिल्कुल हम लोग गांव के स्टाइल में बना रहे हैं। इसका जो आटा गूंदा था वो भी पूरा वही स्टाइल में था और हम सब मिलकर बना रहे हैं। तो ये हमारी बाटियाँ अभी थोड़ी सी रेडी हो गई हैं, धीरे धीरे और रेडी हो जाएंगी। ये दाल रही, ये असर का टाइम हो रहा था जब अजान भी होने लगी थी बीच में, तो ये हमारी बाटियाँ सिकने लगी हैं, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसमें ये पूरा जो ब्लॉग है ये मतलब देसी खाने का है। ये हमने बाटियाँ सेक ली हैं, कुछ हम इधर कर लेंगे, फिर इनको साफ़ होती हैं बाटियाँ, फिर उसके बाद हम दाल बनाएंगे। ये देखिए साफ़ हो रही हैं ताकि उसमें जितना भी जो भी लगा था गंद साफ हो जाए। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, सी ये हो गई हैं अब रेडी। इनको फ्राई करना है। यहाँ हमारी टमाटर की चटनी के लिए टमाटर भुन रहे हैं। ये हमारी बाटियाँ तल रही हैं। ये हमारी बाटियाँ रेडी हो गई हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ हमारी दाल बन रही है। दाल भी हमारी रेडी हो गई है और बाटियाँ भी रेडी हो गई हैं। आप लोग भी प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।